हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं। इस मंदिर में 12 सगी बहनें तपोबल से देवी की मूर्ति बनकर प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के सुप्रसिद्ध 12 देवी मंदिर की। भक्तों, 12 देवी मंदिर 12 रोड जूही कला कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में 12 देवी की मूर्तियां हैं। भक्तों, 12 देवी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी, मां महिषासुर मर्दिनी और श्री शिव पार्वती जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। 12 देवी के दर्शन को आए भक्त इन मूर्तियों का दर्शन करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। 12 देवी के प्रति कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लाखों लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ साल के 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, कानपुर के 12 देवी मंदिर का न तो सटीक इतिहास किसी को मालूम है और न तो किसी को ये पता है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ है। ASI की टीम ने इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था, जिससे पता चला था कि 12 देवी का ये मंदिर लगभग 1700 वर्ष से भी पुराना है। भक्तों, 12 देवी मंदिर से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसके अनुसार एक पिता की 12 पुत्रियां थी। किसी बात पर पिता से उनकी अनबन हो गई। उन्हें पिता के क्रोध का भय सताने लगा। अतः पिता के क्रोध से बचने के लिए 12 बहनें घर से एक साथ भाग गईं। भागकर यहां पहुंचकर 12 बहनें यहीं तपस्या करने लगी। तपस्या करते हुए 12 बहनें मूर्ति बनकर स्थापित हो गई। मूर्ति बनी यही 12 बहनें कालांतर 12 देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि पुत्रियों के श्राप से उनके पिता भी पत्थर हो गए थे। भक्तों, 12 देवी मंदिर के बाहर एक बाजार है, जिसमें फूलमाला, नारियल, चुनरी, मेवा मिष्ठान, पूजा सामग्री, देवी देवताओं की तस्वीरें, मां 12 देवी के लॉकेट आदि की दुकानें हैं। 12 देवी के दर्शन को आने वाले भक्तगण इन्हीं दुकानों से आवश्यक पूजा सामग्री आदि खरीदते हैं। मां 12 देवी के मंदिर का रास्ता इसी बाजार से होकर गुजरता है। भक्तों, 12 देवी मंदिर में माता के दर्शन हेतु पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में सभी जाति व सभी धर्म के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्तों, वैसे तो 12 देवी मंदिर में सभी त्योहार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्र और दुर्गा पूजा के त्योहार में इस मंदिर के प्रति भक्तों का विशेष रुझान होता है, क्योंकि नवरात्रि में होने वाली विशेष पूजा अर्चना और सजावट से श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिलो दिमाग को शांति प्रदान करता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को श्रद्धालु मां 12 देवी का जवारा निकालते हैं। मंदिर के आसपास आस्था का सैलाब उमड़ता है। भक्तों, कानपुर 12 देवी मंदिर खुलने का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित होता है। अतः आप जब यहां दर्शन करने जाएं, तो समय का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, कानपुर 12 देवी मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। पहली आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा दूसरी आरती का समय शाम 7 बजे है। ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि के साथ आरती का वातावरण श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करता है। भक्तों, विशेष बात ये है कि 12 देवी मंदिर में होने वाली आरती के प्रति यहाँ आने वाले भक्तों की विशेष रुचि और उत्सुकता होती है। यही कारण है कि आरती होने से पूर्व ही भक्तगण देवी के भजन, कीर्तन और आराधना में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग ध्यानस्थ होकर मंत्र जाप तो कुछ स्तवन पाठ इत्यादि करते हैं।
ढोल नगाड़ों, शंख, घड़ियाल, करताल की तुमुर ध्वनि के साथ सस्वर आरती गायन से बारह देवी मंदिर की आरती का दृश्य अत्यंत ही मनोहारी होता है। ये आरती भक्तों को अपूर्व आनंद की अनुभूति कराती है, इसलिए इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस अप्रतिम आनंद को अपने अंतर्मन में सदा सर्वदा के लिए अंकित कर लेना चाहते हैं। भक्तों, बारह देवी मंदिर परिसर में माता काली, भगवान शिव, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी जी के सुंदर विग्रह विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त इस मंदिर परिसर में नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जहां लोग अपनी ग्रह पीड़ा शांत कराने हेतु पूजा पाठ व अनुष्ठान करते हैं। भक्तों, कानपुर के बारह देवी मंदिर को लेकर लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में जो भी निसंतान दंपत्ति माँ के दर पर आते हैं और संतान सुख की कामना से मनोरथ सिद्धि हेतु मंदिर में चुनरी बांधते हैं, तो माता बारह देवी की कृपा से उनके आंगन में बच्चे की किलकारियों की गूंज अवश्य सुनाई देती है। माँ बारह देवी की कृपा से संतान सुख प्राप्त करने वाले लोग आगामी नवरात्रि पर बच्चे का मुंडन मंदिर परिसर में ही करवाते हैं। मुंडन के बाद दंपत्ति चुनरी खोल लेते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्तों, अगर आप कानपुर के बारह देवी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के बारह देवी मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं और अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी उपलब्ध हैं। आप जहां उचित समझे वहां ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में बारह देवी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कानपुर के आसपास बारह देवी मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूलबाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थरघाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठू, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के बारह देवी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहां पहुंचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से केवल एयर इंडिया की उड़ानें हैं। कानपुर से लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट से बसों और कैब के माध्यम से आप बारह देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल के माध्यम से कानपुर के बारह देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, आगरा जैसे शहरों से कानपुर के लिए कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स उपलब्ध रहती हैं। रेलवे स्टेशन से बारह देवी मंदिर के लिए ऑटो, टैक्सी और बस की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग द्वारा कानपुर के बारह देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि कानपुर शहर उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों से और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
कानपुर का इंटरस्टेट बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। कानपुर पहुंचने के लिए आप कई निजी बसों और सार्वजनिक बसों का भी लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित बारा देवी मंदिर की यात्रा और दर्शन पूजन कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार, इति शुभम।